है गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में आपको बियर्ड्स की ड्राइंग करके बताऊंगा किस तरीके से मैं बनाता हूँ, कई सारी टेक्निक्स का भी यूज़ करके अच्छे से बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं एक रियलिस्टिक बियर्ड। सो गाइज, आपको एक मेटल टिप मैकेनिकल पेंसिल चाहिए। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी खाली पेन का यूज़ कर सकते हैं। देन गाइज, आपको मेटेलिक पार्ट का यूज़ करते हुए ऐसे पेपर्स में ग्रूव्स बनाने हैं। आपका जिस तरीके से आपके हेयर्स का या फिर बियर्ड का स्ट्रक्चर होगा, आप वाइट हेयर्स के लिए वैसा ही टेक्सचर और स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इंडेंटेशन करने के बाद गाइज, आपको ऐसे ही पेंसिल का यूज़ करके सॉफ्टली अच्छे से यूज़ करना है, जिससे आपके जो ग्रूव्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेफाइट या फिर चारकोल ना जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप पेंसिल को ऐसे ही रफली अगर चला देंगे, फिर भी आपके वाइट हेयर्स अच्छे से अपीयर होते हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। एंड गाइज, यहाँ पर मैं पेन का भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसका अप्रोच ले सकते हैं। आप इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाइट हेयर्स को बना सकते हैं। सो आप देख लीजिए किस तरीके से इसका भी पूरा अच्छे से अपीयरेंस काफ़ी बिल्कुल अच्छे से आ जा रहा है। आप दोनों का कंपेरिजन भी देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा दोनों स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं उसी टेक्निक का यूज़ करते हुए ग्रूव्स बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं एक एक हेयर्स पर अच्छे से स्लोली स्लोली बना रहा हूँ, कोई मिस्टेक्स ना हो, इसलिए इतना धीरे हो सकता है जितना अच्छे से हो सकता है वो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके जो हेयर्स बनाते हैं मेन पेंसिल से, उसी तरीके से आपको सारे हेयर्स यहाँ पर ग्रूव्स के थ्रू बनाने होते हैं, जिससे कि आपके हेयर्स अच्छे से दिखने लगें। अगर यहाँ पर आप गलतियाँ करेंगे तो आपका बाद में भी गलतियाँ काफ़ी अच्छे से अपीयर होंगी, आपका ड्राॅइंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतें। उसके बाद यहाँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हुए मैं एक बार 20 लेयर्स अच्छे से बना दे रहा हूँ। सारे के सारे जो भी लाइट हेयर्स हैं उनको अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड गाइज, यहाँ पर जो भी और पार्ट्स हैं उनकी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। एंड गाइज, यहाँ पर मैं डायरेक्टली 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ 6B पेंसिल का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी बियर्ड्स हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं और काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली 6B का यूज़ करके अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन गाइज, इसके बाद जब हमारी ये मॉइस्चराइजर्स कंप्लीट हो जाती हैं, देन यहाँ पर मैं ट्रांजिशन एरिया है, जो स्किन से अटैच्ड एरिया है और बियर्ड से भी अच्छे से अटैच्ड एरिया है, उनको मैं 4B से कंप्लीट अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो हमारा लाइट और डार्क एरिया उनमें अच्छे से कॉम्बिनेशन बना रहे। तो मैं 4B का यूज़ करके अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही आपको भी लाइट टू डार्क जाना होता है, अच्छे से धीरे धीरे वर्क करना होता है, आप उसको भी ध्यान रखिएगा किस तरीके से आपको करना है। देन गाइज, यहाँ पर मैं 7B पेंसिल को चिजल फॉर्म में करते हुए उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हुए अच्छे से इसको डार्क कर दे रहा हूँ, सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एक एक बियर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है, हमने जो पहले इंटेंडेशन किया था उसकी वजह से हमारे जो वाइट हेयर्स हैं अच्छे से अपीयर होते रहेंगे। सो गाइज, आपको इस टेक्निक का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है हमें ऐसे टेक्निक्स को जब हम यूज़ करते हैं, तो ड्राइंग हमारी खुद ब खुद अच्छे से एकदम रियलिस्टिक लुक आने लगती है। तो मैं यहाँ 7B का यूज़ करते हुए फिर से थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर दे रहा हूँ। एंड गाइज, जब भी आप इंटेंडेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा जो पेंसिल है या फिर ब्रश है या फिर आप चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए ब्रश का अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करेंगे। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने से हमारे जो ग्रूव्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट या फिर चारकोल आप जो भी यूज़ करते हैं वो चला जाता है, उसकी वजह से जो हमारा इंटेंडेशन टेक्निक का यूज़ किया रहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो आप उस प्रेशर को अप्लाई करने में एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से आ जाएगा। देन गाइस, यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर इसको एक्सटेंड करने के लिए ऐसे ही पेन का बैक साइड ले लिया था। वैसे आप एक्सटेंडर खरीद सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, तो आपको कहूँगा कि कुछ भी ऐसे ही लेके आप अपने पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर फिर 8B का ही यूज़ करते हुए पूरा अच्छे से एक एक हेयर्स अच्छे से फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हेयर्स इसलिए बना दे रहा हूँ जिससे कि जो बियर्ड्स का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे से रियलिस्टिक लुक आ जाए एंड डार्क भी हो जाए, क्योंकि चारकोल पाउडर उतना ज़्यादा डार्क नहीं पड़ता जितना चारकोल पेंसिल पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पेंसिल से एक एक बार फिर से कर दे रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा देख सकते हैं लुक आ जा रहा है। देन गाइज, 8B कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं 4B का यूज़ करते हुए ऐसे धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांजिशन वाले पार्ट्स में जो बीच के पार्ट है वाइट और डार्क के एरियाज हैं उसमें अच्छे से बैलेंस करके धीरे धीरे से मैं एक एक हेयर्स को बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्लोली स्लोली वर्क करना होता है।
देन गाइज यहाँ पर जो भी व्हाइट व्हाइट हेयर्स दिख रहे थे जिन पे लाइट का रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा आ रहा था उनको मैं इरेजर पेंसिल का यूज करते हुए थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और जहाँ पर ज्यादा कुछ ज्यादा हाईलाइट्स हो जाते हैं उनके लिए मैं अभी काफी ज्यादा अच्छे से पेंसिल का यूज करते हुए अच्छे से शार्पनेस इंक्रीज कर दूंगा। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना होता है। देन गाइज हाईलाइट करने के बाद आप अकॉर्डिंगली डार्कनेस के हिसाब से आप 4B या फिर 6B से आप ऐसे ही धीरे धीरे जो हाईलाइट पार्ट है उनको अच्छे से शार्पनेस उनकी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ऐसे ही वर्क करना पड़ता है जब इरेजर पेंसिल का यूज करते हैं। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। एंड गाइज 2-3 दिन में मैं पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दूंगा और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट करो, शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। Thank you so much for watching.